ऑल इंडिया फेडरेशन के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल एम्प्लाइज यूनियन शाखा सवाई माधोपुर की ओर से रेलवे स्टेशन पर सरकार की मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आज सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर रेलवे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन के दौरान शंकर लाल मीणा कार्यालय अधीक्षक PWI ऑफिस सवाई माधोपुर ने कहा कि सरकार रेलवे कर्मचारियों के भत्ते देने में जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार द्वारा विशेषाधिकार कमेटी जो भत्तों के लिए बनाई गई थी, उस कमेटी द्वारा रिपोर्ट लागू करने के बाद भी सरकार भत्ते देने में जानबूझकर देरी कर रही है। उस रिपोर्ट को लागू करवाने की एवज में आज ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से अवध एक्सप्रेस को रोककर उसके सामने प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान शंकर लाल मीणा कार्यालय अधीक्षक PWI ऑफिस सवाई माधोपुर ने कहा कि सरकार रेलवे कर्मचारियों के भत्ते देने में जानबूझकर देरी कर रही है। पहले तो आप लोगों के यहाँ पधारने और इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के और जो सरकार द्वारा विशेषाधिकार कमेटी भत्तों के लिए बनाई गई थी, उस कमेटी द्वारा रिपोर्ट लागू करने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों को नाजायज परेशान करने के लिए उस कमेटी की रिपोर्टें लागू नहीं की जा रही है। उन कमेटी की उस रिपोर्टों को लागू करने के लिए उस सरकार के विरोध में ये कार्यक्रम आज का इस गाड़ी में रखा गया है और सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अविलंब तत्काल रूप से तत्काल कमेटी की रिपोर्ट लागू करें। ये गाड़ी है 19039 39 गाउन जो गाड़ी है अवध एक्सप्रेस, इस पर हमारा जो है ये करीब 20 मिनट का कार्यक्रम रहा है और हमने गाड़ी के इंजन साइड से गाड़ी के एंड तक विरोध प्रदर्शन किया है।